फिर अभी गाय का दूध देना स्टार्ट किया है पिछले 2-3 महीने से, गुरु पूर्णिमा के से पहले से। हाँ, तो तब से स्टार्ट किया है। तो फिर क्या कहते हैं, ये मलाई निकल आती है दूध में, तो फिर रखनी पड़ती है। कभी डॉग आ गया तो पिला दिया, तो मलाई इकट्ठी करती हूँ। तो 4 जगह इकट्ठी हो गई इतना सारा। तो वैसे भी मेरे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सर्वाइकल का इफेक्ट रहा था पहले, तो बहुत हार्ड ऐसे इतना हार्ड को इतना हार्ड वर्क नहीं करा सकते, तो नहीं रिलेबल डांट पड़ती है। हैंडल हैंडल नहीं ला सकती हो, इतनी शॉपिंग करने तो चली जाती हूँ उठा के, ये ले आए वो ले आए वो ले आए, अपने मनपसंद चीज़ें दिए का। तो बस यही रीज़न है मैं नहीं ला पाती। अभी सोच रही हूँ एक लाऊंगी। मैंने आज ही एक यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा, बड़ा ऐसा दिया जैसे हैंडपम्प होता है नल जैसा, साइड में ऐसे जो दिया है उसमें ऐसे अटैच है किसी क्लिप के माध्यम से, और ऐसा ऊपर गोल गोल छोटा सा मटका बॉल जैसा है उसमें ऐसे उल्टा फिट हो जाता है। आप उसमें जैसे ऐसे भर दीजिए आपका ऑयल और फिर उल्टा करके उसमें ऐसे फिट हो जाता है, इस तरह का देखा था। तो यहाँ से ऑयलिंग और ऐसे रिलीज होती रहती होगी, जैसे लैब में नहीं होता कोई इंस्ट्रूमेंट होता है कोई रिसर्च करने टाइप का सा शेप का, मतलब दिया जैसा ना लगे मुझे, वो लैब का इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा लगा। जैसे अमीनो एसिड का सा कुछ यंत्र बनाया था ना कौन से वैज्ञानिक ने, रमन जी थे क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये हो गया है ना। और बच्चे जो है, सारे बच्चे अपने नोटबुक्स को, बुक्स को, पेंसिल रबड़ को और स्टेशनरी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे, तो उनके लिए अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, प्लास्टिक में, वुड में, बेम्बू वुड में। तो आप वो ला सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आपके पुराने पेंसिल बॉक्स को, और जो मैंने आपको बताया कि डब्बा डब्बी आते किसी चीज़ में निकलते हैं, आप उन्हें अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, और उन्हें ऐसे अपना एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आदत पड़नी चाहिए न्यू जनरेशन बच्चों को कि ऑर्गेनाइज्ड होम रखिए। आपको अंधेरे में भी कहते हैं बेटा नेल कटर लाना, तो वहाँ पे पूरी फैमिली को पता हो सबका, तो अलग अलग होने नेल कटर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक ही चूज करते हैं भाई वहाँ पे उस ड्रॉयर में और इस चीज़ के पीछे वहाँ पे रखा है, तो वो बंदे को वहाँ पे मिल जाए वो चीज़। और सबकी आपकी पर्टिकुलर अपनी अपनी है, बेड साइड टेबल होता है उसमें, उसमें से ऑर्गेनाइज कर लीजिए चीज़ें कि विक्स वगैरह है, डेली मूव है, सब कोई जो एसेंशियल चीज़ें घर में ज़रूरत पड़ती रहती है, पेन रिलीफ है ना, कुछ कॉमन टैबलेट्स होती हैं जैसे क्रोसिन वगैरह जो है हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज हो, एक भाई एक बॉक्स बना लीजिए घर में, जितना हो सके फर्स्ट एड बॉक्स की हमें किसी को ज़रूरत ना पड़े ईश्वर की कृपा से। लेकिन फिर भी जैसे कि कुछ क्रीम्स है ना, और फिर मेकअप क्रीम वगैरह हो, सारा ऐसे ऑर्गेनाइज रह सकता है पुरानी चीज़ों में। फिर मैंने ये सब मैंने ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग से स्टार्ट किया, तो कबर्ड पे चला जाता है कभी किचन पेंट्री पे और वॉकिंग पेंट्री पे चला जाता है, कभी क्रॉकरी पे चला जाता है। तो ये यूनिवर्स कितना ऑर्गेनाइज है, नदियों की जगह नदी है, समुद्र की जगह समुद्र है, सारे नवग्रह अपनी अपनी जगह है, गैलेक्सी अपनी जगह है ना, पंच तत्व तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो परमपिता परमेश्वर हमारे फादर ऑफ हीलिंग फादर जिन्होंने हमें बर्थ दिया है, उनका ब्रह्मांड से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, सारे तत्व तो अपनी अपनी जगह पर है। अनियंत्रित कौन है, अनऑर्गेनाइज कौन है, हमारा मन, हमारा दिमाग, मन ही तो कहते हैं ना, अभी बैठा है यहाँ पे और अभी बैठे बैठे मन हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर की यात्रा कर लेगा, क्षण भर में अमेरिका पहुंच जाएगा, क्षण भर में गांव के खेत के बहते पास बहते हुए बम्बे में पहुंच जाएगा, बचपन की यादों में पहुंच जाएगा, है ना। इसीलिए मंत्र, इसी मेरे गुरुदेव कहते हैं और हर साल गुरुदेव कहते हैं कि हर शब्द आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द मंत्र है। मंत्र केवल पर्टिकुलर वही शब्द नहीं है, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र बोला, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा प्यास लगी है। केवल ना ओम गम गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, अखण्डमण्डल आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्व मंगल मा